संपर्क दीदी की शब्दशाला। शरीर में गति, कठिन शब्द। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है मानव कंकाल। हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के ढांचे से बना कंकाल शरीर को आकार देता है और गति में भी सहायता करता है। मानव कंकाल, मानव कंकाल, मानव कंकाल, मानव कंकाल। देखो ये कंकाल किससे मिलकर बना है। हड्डियों से। इन हड्डियों को अस्थियां भी कहते हैं। अस्थियां, 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 अस्थियां। देखो बच्चों, इस चित्र में आपके जैसा एक बच्चा व्यायाम कर रहा है और उसने अपनी टांगों को घुटनों के पास से मोड़ा हुआ है। आप भी अपनी टांगों को घुटनों के पास से ऐसे ही मोड़ पाते हो ना, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। घुटना किस कारण मुड़ पाता है? संधि के कारण। संधि यानी दो हड्डियों का जोड़। तो बच्चों, हमारे शरीर का ऐसा भाग जो मुड़ता या घूमता है उसे संधि कहते हैं। संधि दो अलग अलग हड्डियों के जुड़ने से बनती है, जैसे कंधे, कोहनी या घुटने की संधियां। संधि, 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 संधि। इस अगले चित्र में एक संधि दिखाई गई है बच्चों। इसमें एक हड्डी का गेंद की तरह दिखने वाला गोल सिरा दूसरी हड्डी के कटोरी नुमा भाग में धंसा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इस संधि को क्या कहते हैं? इस संधि को कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। कंदुक मतलब गेंद, खल्लिका मतलब कटोरी नुमा और संधि यानी जोड़। तो कंदुक खल्लिका संधि यानी गेंद जैसी और कटोरी नुमा दो हड्डियों का जोड़। हमारे कंधे में यही संधि होती है, कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि। अब ये रहा एक और संधि का चित्र। बच्चों, ये संधि हमारी गर्दन और सिर को आपस में जोड़ती है। इस संधि को क्या कहते हैं? इसे धुराग्र संधि कहते हैं बच्चों। धुराग्र संधि, धुराग्र संधि, धुराग्र संधि, धुराग्र संधि। अगले चित्र में भी एक संधि ही है बच्चों। ये संधि हमारी कोहनी में पाई जाती है। ये दरवाजे के कब्जे की तरह होती है और जो बाजू को आगे पीछे की दिशा में गति करने में सहायता करती है। अब क्या आप जानते हैं कि इस संधि का क्या नाम है?
बच्चों, ये संधि हिंज संधि कहलाती है। हिंज संधि, हिंज संधि, हिंज संधि, हिंज संधि। अब देखते हैं अगली संधि का चित्र। यहाँ सिर में स्थित संधियों को दिखाया गया है। बच्चों, हमारे सिर में कुछ हड्डियाँ संधियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी तो होती हैं, लेकिन वो इन संधियों पर हिलती नहीं है। ऐसी संधियों को क्या कहते हैं? अचल संधि। अचल यानी जो न चले या न हिले, तो न हिलने वाली संधि हुई अचल संधि। अचल संधि, अचल संधि, अचल संधि। अब ये शरीर की कौन सी हड्डी है बच्चों? आपकी पीठ पर गर्दन से लेकर कमर तक जो उभरी हुई हड्डी महसूस होती है ना, ये वही है। इसे क्या कहते हैं? इसे मेरुदंड कहते हैं। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है बच्चों। मेरुदंड, 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 मेरुदंड। इस चित्र में शरीर के किस भाग की अस्थियां हैं? हाँ, ये हमारी छाती की पसलियां हैं। देखो बच्चों, ये पसलियां छाती की हड्डी और मेरुदंड से जुड़कर एक शंकु रूपी पिंजरे या बक्से जैसा आकार बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? इसे पसली पिंजर कहते हैं। ये पसली पिंजर हमारे हृदय और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों को सुरक्षित रखता है। पिंजर मतलब पिंजरा, तो पसली पिंजर यानी पसलियों से बना बक्सा नुमा पिंजरा। पसली पिंजर, पसली पिंजर, पसली पिंजर, पसली पिंजर। अरे, अगला चित्र भी अस्थियों का ही है। बच्चों, ये अस्थियां हमारे पेट के सबसे निचले हिस्से यानी कूल्हे में पाई जाती हैं। ये हमारे अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें श्रोणि अस्थियां कहते हैं। श्रोणि अस्थियां, श्रोणि अस्थियां, श्रोणि अस्थियां, श्रोणि अस्थियां। अब ये है हमारा कान। अच्छा बताओ, हमारे कान का ऊपरी और निचले भाग में से कौन सा भाग कम लचीला होता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक, ऊपर वाला भाग। लेकिन ये अस्थि की तरह कठोर भी नहीं होता। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे उपास्थि कहते हैं बच्चों। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि, 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 उपास्थि। चलो अगला चित्र देखते हैं। बच्चों, यहाँ हमारी भुजा में एक उभरा हुआ भाग दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं?
इसे पेशी कहते हैं बच्चों, पेशी, 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 पेशी। अरे वाह, ये तो मछली का चित्र है बच्चों। आपको तो पता ही होगा कि मछली पानी में तैरती रहती है। ध्यान से देखो बच्चों, मछली का शरीर बिल्कुल एक नाव की तरह, यानी आगे पीछे से पतला और बीच में से मोटा होता है। ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। धारा रेखीय, धारा रेखीय, धारा रेखीय, धारा रेखीय। क्या आप इस चित्र में दिख रहे जीव को पहचानते हो बच्चों? बिल्कुल सही, ये है घोंघा। देखो, इसकी पीठ पर एक गोल कवच है। क्या आप जानते हैं कि इस कवच को क्या कहते हैं? इसे घोंघे का बाह्य कंकाल कहते हैं। बाह्य यानी बाहरी, तो घोंघे के शरीर के बाहर स्थित कंकाल हुआ बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। तो ये थे इस पाठ के कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय, बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द यूट्यूब और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।